इस बीते कुछ टाइम में हमने लॉकडाउन देखा और एक्टर्स स्ट्राइक भी देखी। ये वो टाइम था जब मार्केट में कंटेंट एकदम खत्म हो चुका था, लेकिन स्ट्रीमिंग का बाप नेटफ्लिक्स तब भी एक के बाद एक कड़क सीरीज हमारे सामने रखते ही जा रहा था। इसीलिए ये स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री का किंग है। अभी 2024 का सिर्फ एक ही क्वार्टर खत्म हुआ है और इन 3 महीनों में जो बवाल सीरीज नेटफ्लिक्स ने दी है ना, उन्हें 100% क्वालिटी कॉन्टेंट कहना गलत नहीं है। तो भाई आज के स्पेशल वीडियो में जानेंगे 7 बेस्ट और 100% मस्ट वॉच नेटफ्लिक्स सीरीज ऑफ 2024, जो फैंटेसी एक्शन क्राइम थ्रिल सबका हाई डोज देगी, वो भी एकदम क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ। तो चलिए फिर जल्दी से आज की ऑसम राइड शुरू करते हैं। नंबर 7 पर एक ऐसी ब्रिलियंट फैंटेसी सीरीज है जो हम सबके बचपन से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम सब ने निकलोडियन पर कभी ना कभी एक बार तो अवतार द लास्ट एयरबेंडर कार्टून देखा ही है। 22 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर, ये हमें एक ऐसे वर्ल्ड में लेकर जाती है जहां पर वर्ल्ड 4 एलिमेंट्स और 4 नेशंस में बटा हुआ है, वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर। लेकिन जब फायर नेशन पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता है, तब वर्ल्ड की ओनली होप है अवतार एयरबेंडर एंग, जो 100 सालों से मिसिंग है। अब देखो, इस सीरीज की स्टोरी थोड़ी रश्ड फील होती है, जो इसके कैरेक्टर्स और मेन प्लॉट पॉइंट्स को बिल्कुल भी ब्रीदिंग टाइम नहीं देती, जिसकी वजह से हमें बिग इमोशन जो मोमेंट्स हैं इसके वो फील नहीं हो पाते। अब इमोशन और कैरेक्टर कनेक्शन वाला पार्ट भले ही वीक हो, लेकिन इसके विजुअल्स तो भाई साहब एकदम टॉप लेवल के हैं। इसके कैरेक्टर आर्क्स भी काफी अच्छे हैं और कुछ यंग एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी काफी ब्रिलियंट है। तो अगर लार्जर देन लाइफ फैंटेसी मोमेंट्स को पूरा तुम फील करना चाहते हो, तो फिर नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल ये सीरीज मस्ट वॉच है और इसे तुम पूरी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हो। नंबर 6 पर वो सीरीज है जो किंग ऑफ क्राइम नहीं बल्कि क्वीन ऑफ क्राइम की ट्रू स्टोरी दिखाएगी, और सबसे स्पेशल चीज है कि ये क्रिमिनल वर्ल्ड की स्टोरी एक अलग ही पर्सपेक्टिव से दिखाती है। 25 जनवरी को रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर बायोपिक सीरीज ग्रिजेल्डा, भाई ये कहानी है ग्रिजेल्डा ब्लैंको की, जो एक बिजनेस वुमन है, एक क्राइम बॉस है और कोई आंडू पांडू क्राइम बॉस नहीं है। ये वो पावरफुल वुमन है जिसने मायमी में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल और रूथलेस ड्रग कार्टेल बनाया है। अब वैसे तो ये काफी वेल मेड और ब्रिलियंटली एक्टेड बायोपिक है, लेकिन फिर भी इसकी पेसिंग और स्टोरी चॉइसेस कहीं कहीं पे सही से फिट नहीं हो पाती, वो इसका मजा थोड़ा बहुत कम कर सकती है और इसके कुछ मेकअप वाले विजुअल्स भी थोड़े अजीब लग सकते हैं। लेकिन इन कुछ पॉइंट्स के अलावा इस सीरीज की स्टोरी की फाउंडेशन काफी सॉलिड है और फिर इसके मेन कैरेक्टर्स भी काफी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है, जो इस पूरी सीरीज को एकदम वर्थ वॉच बनाते हैं। तो ड्रग्स, क्राइम, ब्लडी बिजनेस और वॉर, ये सब कुछ देखना चाहते हो तो फिर नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु में अवेलेबल इस सीरीज को ट्राई करो, मजा आएगा। नंबर 5 पर है सीक्रेट्स और निंजास से भरी हुई एक एक्शन सीरीज जिसकी स्टोरी विलन को हराने से ज्यादा फैमिली के मुद्दे पर फोकस करती है। 15 फरवरी को रिलीज हुई सीरीज हाउस ऑफ निंजास, यह हमें लेकर जाती है जापान में, जहां पे एक निंजा फैमिली अपने मेन प्रोफेशन को अब छोड़ चुकी है, लेकिन जब जापानीज गवर्नमेंट उन्हें एक बार फिर से एक्शन फील्ड में उतरने पर मजबूर करती है ना, तब इस फैमिली के सीक्रेट्स बाहर आना चालू होते हैं। अब इस सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स आपको थोड़े ओवर द टॉप फील हो सकते हैं और इसके कुछ स्टोरी मोमेंट्स भी कुछ ज्यादा ही प्रिडिक्टेबल थे, लेकिन इसका जबरदस्त एक्शन और ग्रेट फैमिली डायनामिक्स इसके हर एक यूनिक कैरेक्टर को एक बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से साथ लेकर आते हैं, और यही चीज इस सीरीज को नेटफ्लिक्स के फर्स्ट क्वार्टर की एक मस्ट वॉच सीरीज बना देती है। इस एक्शन थ्रिलर को तुम नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। अब इसके साथ साथ द ब्रदर्स सन भी मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा, ये भी तुम नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। ये सीरीज हाउस ऑफ निंजा से काफी सिमिलर है और एकदम कड़क स्टोरीज में मिलेगी, लेकिन ये अपने फर्स्ट सीजन के बाद ही कैंसिल हो चुकी है। ये भी 2024 की एकदम मस्ट वॉच सीरीज है। नंबर 4 पर एक हर्ट पंपिंग एंड हिलेरियस थ्रिलर सीरीज है जो एक इंटेंस और डार्कली कॉमेडी क्राइम थ्रिलर से सुपर हीरो सीरीज में कैसे ट्रांजिशन करती है, ये हमें पता ही नहीं चलता। कब ये एक क्राइम थ्रिलर से सुपर हीरो सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है तुम्हें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगेगा। 9 फरवरी को रिलीज हुई कोरियन सीरीज अ किलर पैराडॉक्स, ये उस कॉलेज स्टूडेंट की कहानी है जिसके पास इविल लोगों को पहचानने की सुपर पावर है और वो इस पावर को यूज करके इविल को दुनिया से मिटा रहा है, लेकिन उसकी खोज में है एक रिलेंटलेस कॉप जो इस स्टोरी को बिल्कुल चेंज कर देगा। अब इसके कुछ सीन्स थोड़े से ऑकवर्ड फील हो सकते हैं, लेकिन इस छोटी सी कमी के लिए कंप्लीटली मेकअप करते हैं इस सीरीज के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, जो एक ब्रिलियंट स्टोरी को और भी ज्यादा थ्रिलिंग बना देते हैं। भैया ये सीरीज नॉर्मल के ड्रामा फैंस के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें क्यूट और रोमांटिक कुछ भी नहीं है। इसका हर एक एपिसोड वायलेंट थ्रिल राइड है, जो आपको बहुत ही अजीब मर्डर मिस्ट्री एंड एक बहुत ही एंटरटेनिंग सुपर हीरो सीरीज दोनों का मजा देगा एक साथ। ये 100% मस्ट वॉच सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है एक सुपर हिट चाइनीज साइफाई नॉवल का बिग बजट नेटफ्लिक्स अडेप्शन, जो आपको एक यूनिक वर्ल्ड और एक यूनिक एक्सपीरियंस देगी।
गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर्स की तरफ से एक ब्रांड न्यू साइफाई सीरीज थ्री बॉडी प्रॉब्लम जो 21 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसमें हम एलियन इन्वेजन की स्टोरी देखते हैं लेकिन एकदम अलग ही तरीके से, क्योंकि इसकी स्टोरी अलग अलग टाइम पर अलग अलग कैरेक्टर से जुड़ी हुई है जो इसे और भी इंट्रीगिंग बनाते हैं। थ्री बॉडी प्रॉब्लम के पहले दो एपिसोड्स की स्टोरी तो काफी ज्यादा थ्रिलिंग है लेकिन इसके कुछ विजुअल्स थोड़े अजीब दिख सकते हैं एंड इसकी स्टोरी भी कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग और वियर्डली पेस्ड फील हो सकती है, लेकिन इसके फर्दर एपिसोड्स में इसके विजुअल्स बेहतरीन हो जाते हैं और इसकी स्टोरी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है जो फर्स्ट सीजन में हमें सिर्फ इस स्टोरी की एक झलक ही देखने को मिलती है। तो अगर एक इंटेलिजेंट स्टोरी देखने में तुम इंटरेस्टेड हो तो फिर ये सीरीज तुम्हारे लिए नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर दो पर एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है जो ऐसी बुक पर बेस्ड है जो पहले भी हिट फिल्म में अडेप्ट हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं एने हैथवे की 2011 वाली फिल्म वन डे की। 8 फरवरी को रिलीज हुई सीरीज वन डे हमें दो कॉलेज के दोस्तों की कहानी दिखाती है जो अपनी लाइफ में हर एक साल एक दूसरे से सिर्फ एक ही दिन के लिए मिलते हैं और वो ये चीज 18 सालों तक करते हैं जब तक उन्हें एक दूसरे से प्यार का एहसास नहीं होता। अब इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक ब्रिलियंटली मेड रोमांटिक सीरीज है जो शायद आपका सख्त लौंडे वाला दिल भी छू जाएगी। अब इसका एपिसोड काउंट सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन 14 एपिसोड्स वो भी सिर्फ 30 मिनट के, ये उतना भी ज्यादा नहीं है। अब इस एक छोटी सी वीकनेस के लिए ये सीरीज मेकअप करती है अपनी अच्छी एक्टिंग और एक हार्टफेल्ट स्टोरी के साथ जो इसे एकदम मस्ट वॉच बना देते हैं। तो अगर तुम रोमांटिक शोज को क्रिंजी मानते हो तो फिर इस सीरीज को एक चांस दो, तुम्हारी सोच बदलने वाली है। ये अमेजिंग सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर एक पर भाई साहब ऐसी कड़क क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो 2019 में आई ग्रेट फिल्म द जेंटलमैन के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इससे स्मार्ट और ऑसम क्राइम थ्रिलर और कोई दूसरी है ही नहीं। 7 मार्च को रिलीज हुई अमेजिंग डायरेक्टर गाय रिची की द जेंटलमैन। भाई ये किसी आंडू पांडू क्राइम या क्रिमिनल की कहानी नहीं है बल्कि एक रॉयल ड्यूक की कहानी है जिसे विरासत में मिलती है बहुत सारी प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी पे उगा बहुत सारा गांजा। अब वो अपनी फैमिली को इस डर्टी बिजनेस से बचाएगा या खुद इसका हिस्सा बन जाएगा, यही इस सीरीज का मेन प्लॉट है। अब देखो सीरीज के कुछ एपिसोड्स थोड़े से रेपिटेटिव फील हो सकते हैं लेकिन वो फिर भी इमेंसली एंटरटेनिंग है क्योंकि इस सीरीज का हर एक कैरेक्टर ब्रिलियंटली रिटन है जो आपको इस क्वर्की येट डेडली वर्ल्ड के साथ मिलकर एक नया एक्सपीरियंस देने वाला है। भाई इस शो को देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि तुम इसकी स्टोरी और इसके हर एक कैरेक्टर के फैन हो जाओगे। ये 100% क्वालिटी सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है तो ज्यादा सोचे बिना अभी जाके इसे बिंज वॉच करो क्योंकि ये सच में बिंज वॉच लायक माल है। तो भाई लोग ये है वो एकदम ब्रांड न्यू नेटफ्लिक्स सीरीज जो 100% मस्ट वॉच है, इन्हें किसी भी कीमत पर मिस मत करना। अब इनमें से अगर तुम कुछ देख चुके हो तो कमेंट्स में आओ, अपना रिव्यू शेयर करो सबके साथ और ऐसे ही एकदम कड़क कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और शेयर करके इसे ट्रू मूवी फैंस तक जरूर पहुंचाना। 2024 में सबसे बेस्ट इंडियन वेब सीरीज कौन सी है जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।